अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़मीर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियां नवाज साहब को उनके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए जो शर्त आयद की थी उसको लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी तलखी जारी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर नवाज साहब बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो वो हुकूमत के पास श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं और वहां जाकर लंदन जाना चाहती हैं या किसी और भी मुल्क जाना चाहते हैं तो अपना इलाज करवा कर वापस आ जाएं। लेकिन इसको मुस्लिम लीग नून ने खासा तनकीद का निशाना बनाया और उनका मौकफ ये था कि हम हुकूमत के पास किसी किस्म की श्योरिटी जमा करवाने के पाबंद नहीं है और ना ही हम उनके पास कोई श्योरिटी किसी किस्म की जमा करवाएंगे। अदालत ने मियां नवाज साहब को इलाज के लिए 8 हफ्तों का टाइम दिया था, लेकिन उसमें तकरीबन 2 से ज्यादा का जो वक्त है वो गुजर चुका है। लेकिन अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, खासतौर पर नून लीग के दरमियान, इस बात पर इतफाक नहीं हो सका कि मियां साहब को जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि हुकूमत बजीद है कि वो श्योरिटी बांध जमा करवाएं, लेकिन नून लीग भी इस बात पर बजीद है कि हम जमा नहीं करवाएंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की सेहत मुस्लिम लीग नून को अजीज है या फिर पैसा अजीज है, क्योंकि माजी में कुछ मिसालें ऐसी हैं कि सागदार पाकिस्तान से गए वो वापस नहीं आए, हसन हुसैन नवाज लंदन में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में आके मुकदमात का सामना करने को तैयार नहीं है, शबाश यूसुफ के दामाद जो हैं इमरान साहब वो भी वापस आकर मुकदमात का सामना करने को नहीं तैयार। तो ऐसे में हुकूमत का जो वाज़ह मौक़िफ़ है कि हम कैसे मियां नवाज साहब को जो सजा याफ्ता है अदालत से तो उसको हम कैसे जाने दें, तो इन तमाम तरह इशूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मोहम्मद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, बैन अवी सूरतकार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। आपका भी शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब मामला अदालत में चला गया है, मियां नवाज साहब की जो बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर मौकफ अपनाया है कि हम श्योरिटी बांध के बगैर मियां साहब को जाने नहीं देंगे, नून लीग इस पर रजामंद नहीं थी, वो अब लाहौर हाई कोर्ट में चली गई है। आज सुबह 11 बजे अदालत ने समाअत करनी है, आपको क्या लगता है सर, मुतवक्के फैसला क्या, आपको आपकी नजर में मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, क्या नवाज साहब को अदालत इजाजत दे देगी या फिर वही किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वगैरह लेने के लिए कोई ना कोई शर्त वगैरह रखी जाएगी दोबारा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए मसला सारा जो है वो यही है जिसका आपने कहा कि इमरान खान ने जो बात कही है या इमरान की गवर्नमेंट ने जो बात कही है उसमें मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बहुत बेहतर है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान से पहले चले गए वो कोई भी वापस नहीं आया, इसाक डार हैं, अल्ताफ़ हुसैन हैं, हसन नवाज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं और वो जाके वहाँ सियासी पनाह ले लेते हैं और फिर ठहर जाते हैं और फिर वहाँ से जो सारे मामला हैं जो अभी उनके वो करते रहते हैं। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, एक तो वजह ये है, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है इमरान खान की बॉन्ड लगाने की, उसकी वजह ये है कि उन्होंने कौम से वादा किया था, मैंडेट इसी बुनियाद पर लिया था कि मैं चोरों को पकड़ूंगा और उनसे पैसे की वसूली होगी। लूटा हुआ माल ज़ाहिर है इमरान का तो नहीं है, वो तो कौम का है, कौम से उसने वादा किया था। तो अब अगर वो वैसे ही जाने छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि भाई आप चले जाइए तो फिर आप मुझे बताइए कि कौम तो फिर पूछेगी ना, आप भी पूछेंगे, हर कोई पूछेगा इमरान खान से कि जनाब ये तो आपका मेन आपका एक वो था वादा था कि मैं इनकी गर्दन पकड़ूंगा, इनको गिरबान पकड़ूंगा, जो कुछ भी जैसे भी इन्होंने कहे थे तकरीरों में, तो वो तो आपने उनको बगैर उसके जाने दिया। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इमरान ने अपने मंशूर के मुताबिक, जो उनकी पार्टी का मंशूर था और जो कौम से वादा किया था, जो आवाम से वादा किया था, उसके मुताबिक वो सही है। अब आ जाती ये बात दूसरी के, देखिए मसला ये है, जहां तक मेरे पास इतला था ये मैं समझ रहा हूँ कि नून लीग जो है ना, बदकिस्मती ये है कि नून लीग इसके ऊपर खुद जो है इसमें तमाशा बना रही है। देखिए जो इश्योरिटी बॉन्ड है वो ये 7 लाख या सॉरी 7 अरब रुपए, उन्होंने कोई कैश नहीं देना, वो एक आइडेमिटी बॉन्ड है, वो भर के दे दें। अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं, मुझसे मेरे कल बात हुई थी कुछ लोगों से, वो कहते हैं कि जनाब वो असल में हम भर के दे देंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुजरिम साबित हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई मुजरिम साबित नहीं होता। दूसरा है कि एक कबात किसी साहब ने आज मुझसे ये सुबह कहा, पाकिस्तान में वो माहिर कानून भी है, मैं बहरहाल नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उनका ये कहना था कि अगर मियाँ साहब ने अगर यहाँ पर ये आइडेमिटी भर दी
तो वो बाहर जाके सियासी पना नहीं ले सकेंगे, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कोई शख्स अगर सियासी पना लेता है बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तो ठीक है, अगर वो आइडेंटिटी भर भी देता है, वो आइडेंटिटी ये भर के देंगे इनके घर वाले या उनकी फैमिली के भैया बीमार हैं ये वापस आएंगे, वो वहां जाकर कह सकते हैं, मतलब ही इज नॉट अ मीडियोकर पर्सन, समझे, एक्स प्राइम मिनिस्टर है और बरतानिया भी देख रहा है जिस मुल्क में अगर वो सियासी पनाह लेना चाहेंगे उनको भी पता है कि उनकी क्या पोजीशन है। तो ये कोई एक आम आदमी के लिए तो बात मानी जा सकती है, लेकिन स्पेशल सर्कमटेंसेस जो होते हैं उसमें ये चीज नहीं होती। असल मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद चाहती है कि इस मामले को खराब किया जाए और ये चाहते हैं कि ये खराब हो किसी तरीके से। और मियाँ साहब को मैंने, आपको याद होगा मैंने अपने कई पहले इंटरव्यूज में भी आपको बताया था कि इनकी ख्वाहिश यही है कि ये मामला खराब हो। मामला खराब होगा दो चीजें हैं, एक तो ये कि सारा का सारा ये मलबा उठा के इमरान पर डाल देंगे कि जनाब इन्होंने इनकी वजह से हुआ, इन्होंने ले तलाल किया, मियाँ साहब की तबीयत खराब थी जो तरीके का रहा है, और दूसरा ये कि ये मियाँ साहब की सेहत को खुदा ना करे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे उनको कैश कराएंगे। और ये मेरी इतलात है, ये हकीकत की बात है, आपको पिछले भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वाकई मियाँ साहब की तबीयत बहुत खराब है और उनका वजन गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद सर आपको लगता है कि कल जो बल्कि आज जो अदालत ने समाअत कर रही है मुतवक्के फैसला सर क्या आएगा, इस पर तो हम अभी आपसे आगे भी जाकर बात करते हैं कि मुस्लिम नून क्या जी मुतवक्का फैसला ये है कि शायद जो है अदालत जो है उनको इजाजत दे देगी, इजाजत दे देगी, हो सकता है वो कह दे कि वो आपको कोई और श्योरिटी बॉन्ड दे दे या कोई और जमानत ले दे या किसी किस्म की और, लेकिन अदालत इनको रोकेगी नहीं क्योंकि उनकी, मैं जैसे बताया आपको कि उनकी तबीयत वाकई बहुत ज्यादा खराब है और ये कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि शायद हो सकता है अदालत इनको इजाजत दे दे, क्योंकि आज देखिए ना मुस्लिम लीग नून वगैरह ने पहले जाके तो खुद हाईकोर्ट के उन्होंने जुडिक्शन को चैलेंज कर दिया, फिर हाईकोर्ट, मतलब देखिए दिन टाइम बाय टाइम बढ़ रहा है। आप जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना कि टाइम वो बढ़ा रहे हैं, वरना ये बात कल भी हो सकती है, अवल तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए शायद मुझे लगता है कि शायद हाईकोर्ट इनको इजाजत दे देगी। लेकिन अगर अगर मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट ये कह देती है कि आपको किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है फिर इमरान तो बरी जिम्मा हो जाएगा ना। तो सर आपकी नजर में क्या इमरान खान साहब यही चाहते थे कि मेरे कंधों पर बोझ ना आए और वो अदालत पर चला जाए या किसी और इदारे पर चला जाए, क्योंकि इमरान खान हमेशा 22 साल से जो कंपेन कर रहे थे कि मैं किसी स्टेटस को या इनकरप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान खान यही चाहते थे कि मेरे कंधों से बोझ हट जाए? नहीं, इमरान की देखिए, इमरान की जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान की नियत पे ना कोई शक नहीं कर सकता, मेरे अपने जाती ताल्लुकात जो है जहां तक है जिस हवाले से भी है इमरान की नियत पर आप शक नहीं कर सकते। लेकिन मसला यह है कि मुझे बताइए कि इमरान के जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, MQM ने आज आपको बताया साफ कह दिया कि उनको जाने दिया जाए, जिसको मसालहत के लिए भेजा था चौधरी बरादरान को, उन्होंने भी इमरान से कह दिया इनको जाने दिया जाए, ठीक है जी। PDA भी कह रही है, मुझे बताइए कि इमरान के साथ है कौन इस मौके पर? ये तो इमरान ने, मैंने सबसे कहा ना कि इमरान ने अपने जो वादा किया था कौम से उस वादे के मुताबिक उसने तो कह दिया कि भाई ठीक है मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा, हाँ अगर आपकी तबीयत खराब है आप गारंटी दे दें कि भाई आप वापस आएंगे, मुझे असल में कौम के लूटे हुए माल से मसला है। लेकिन अब अगर अदालत उनको दे देती तो इमरान क्या कर सकता है? लेकिन सर ऐसे में फिर जो इत्तेहादी जमाते हैं, सर आप क्या समझते हैं कि इत्तेहादी जमाते क्यों वो इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रही? क्योंकि इमरान खान का जो वाज मौकफ है आपके मुताबिक कि वो कह रहे हैं कि मैं तो ये चोरों का जो इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, ये जो लूटा हुआ माल मैं ऐसे आसानी से नहीं जाने दूंगा, तो ऐसे में अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें उनको तो इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए था, तो इत्तेहादी जमातें क्यों नहीं साथ दे रही सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक तकरीर की थी अक़वामे मुत्तहिदा के अंदर, वो तकरीर जो थी वो दरअसल मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं कई फोर्म्स पे कहता रहा हूँ कि वो तकरीर इंतहाई अहम थी। उस तकरीर के अंदर इमरान खान ने जो कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, उसने कहा था कि कश्मीर के ऊपर भारत का मौका तस्लीम नहीं करेंगे, उसने कहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होगी उसको हम नहीं मानेंगे, ये चीजें बड़ी सख्ती से जो उन्होंने कही उससे दुनिया के कुछ बड़े नाराज हो गए। और उनकी नाराजगी की वजह से जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, उनकी नाराजगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा स्टेज सजाया गया है। ये जो धरना आया था मैंने आपसे कहा था ना, ये धरने के पीछे राव और NDS जो मैंने कही थी, देखिए जो बड़ी ताकतें होती हैं वो खुद नहीं आती किसी भी मुल्क के अंदर, उनके अपने एजेंट्स होते हैं, पोलिटिकल पार्टीज होती हैं, पोलिटिकल पार्टीज की उनकी पावर्स होती है, ये पूरा इसी सिलसिले में स्टेज किया गया था। आप देखें ना कि इसीलिए आज वही जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इमरान करप्ट लोगों को, उसने कहा था कि मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, उसने यूनाइटेड नेशन भी बात जाकर कही, तो अब मुझे बताइए कि इमरान के जो इत्तेहादी हैं MQM है, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ गैर जानबदार हो कि क्या MQM के अंदर क्या कोई करप्ट लोग नहीं है? MQM के अंदर भी करप्ट लोग हैं,
चौधरी बरादरान आ जाइए, क्या चौधरी बरादरान करप्ट नहीं है, बड़े करप्शन के उनके ऊपर केसेस हैं। मौलाना फजलुर रहमान पर आ जाइए, वो तो हालांकि इत्तेहादी तो नहीं लेकिन मुखालफत में है, वो भी सारे करप्शन है। तो मसला ये है कि इमरान के जो भी इत्तेहादी जो GDA के अंदर भी लोग हैं उनके अंदर भी कुछ लोग करप्ट हैं। तो मसला यह है कि वो जब बाहर से इनको इशारे मिले तो उनको पता था कि हमें हर सूरत के अंदर बाहर के लोगों का साथ देना है, अगर हमने साथ नहीं दिया तो इमरान जो है हमारे लिए बाइस मुसीबत बनेगा क्योंकि करप्शन में तो फंसना है। मसला सारा यह है, इसलिए वो साथ छोड़ गए हैं। और मैं, हो सकता है जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये सूरत हाल हो सकता है कि इमरान को मजबूर कर दे कि वो अस खुद असेंबलियां तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो सर ऐसे में इमरान खान आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अकेला मुकाबला कर पाएगा सर? देखिए मैं तो समझता हूँ, मैंने तो पहले भी इनको मशवरा दिया था और अभी भी मेरा मशवरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि अब ऐसी सूरत हाल हो क्या गई, बल्कि तकरीबन हो ही गई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कल भी कहा था और आज फिर आपकी वीडियो के इस हवालत से भी मैं बता देता हूँ कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पसे पर्दा जो है खुद चौधरी बरादरान और MQM और दूसरा GDA ये सब जो है इस वक्त इमरान से तकरीबन मुखालिफ हो चुके हैं, ये इमरान का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ। और पसे पर्दा कुछ मामला ऐसे किए गए हैं और आज की इस हवाले से आर्मी चीफ की जो मुलाकात है इमरान खान से वो बहुत अहम है। और मैं जो मेरी ये खबर तो नहीं है लेकिन मैं तजिया है कि जो मेरा तजिया है जो मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात अच्छी नहीं रही, क्योंकि आर्मी चीफ जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं इस बात का सख्त खिलाफ था कि मौलाना फजलुर रहमान को आने की इजाजत दी गई, क्योंकि अगर वो वहां पे रोक लिया जाता इनको सिंध में, लोग कहते हैं लड़ाई होता झगड़ा होता कुछ भी होता, आपकी रिट कायम होती, गवर्नमेंट की रिट कायम होती। जब वो आके इस्लामाबाद में बैठे, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के बराह रास्त रियासती इदारों को, फौज को, सबको चैलेंज किया है। तो ये बुनियादी तौर पर ये भी कुछ इमरान खान के ही लोग थे जिन्होंने इनको मशवरा दिया था कि इनको आने दी। मैं बार बार कह रहा था, आपके इंटरव्यू भी मैंने कहा कि इसके अंदर रॉ का, NDS का और दूसरे लोगों का पूरा हाथ है और अंदर के भी लोग मिले हुए हैं, वही अंदर के लोग। सर आप क्या समझते हैं कि अभी आज जो आर्मी जो कल आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात हुई है तो दोनों के दरमियान जो सिविल मिलिट्री तलुकात में कशीदगी की वजह मियां नवाज़ सर की रवानगी है या फिर वो धरना है? सर दोनों चीजें हैं उसमें, दोनों चीजें, मियां नवाज शरीफ की रवानगी तो खैर इतना नहीं है लेकिन कुछ धरने वाले मामलात हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान को मतलब जो सूरत हाल है सियासी तौर पर वो हैंडल नहीं कर पाए। पहले भी कहा गया था इनको, इमरान खान को कहा गया था कि आपको नवंबर दिसंबर तक टाइम है कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, ये मैं आपको ये खबर है मेरी पक्की है, मैं इसके ऊपर कायम हूँ। और लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो उनकी पूरी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को नाकाम किया जाए। और उसकी वजह ये है कि कुछ मैंने जैसे बार बार कहता रहा हूँ कि खोटे सिक्के हैं तो बहुत करीबी लोग हैं, तो ये इस वजह से थोड़ी सी मैंने जैसे आपसे कहा कि आज जो है उनकी मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं रही है। और मैं समझता हूँ कि शायद जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनकरीब मिड टर्म इलेक्शन करा दिए जाए गालिबन एक साल बाद या डेढ़ साल बाद, उसके ऊपर भी आज डिस्कस हुआ है, ये मेरी खबर है। सर ये बताएं कि पाकिस्तान मुतहम्मिल है इस बात का कि मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाए सर मौजूदा सूरत हाल में? सर अब वो देखिए ना, अभी तो ये बात तो बात की बात है, पहले तो ये फैसला होना है कि मिड टर्म इलेक्शन होते कि नहीं होते। अभी तो ये इसके ऊपर उनकी बिग बातचीत चल रही है कि मिड टर्म इलेक्शन करा दिए जाए या ये करा दिए जाए कि अंदर से कोई तब्दीली ले आए, लेकिन अगर इन हाउस तब्दीली लाते हैं तो बात फिर वही होगी, फिर वही तीसरा आधा बटेर। आपकी नजर में एक मेरा ये सवाल है कि इमरान खान का मुतबादिल कौन है सर, कौन होगा अगर इन हाउस तब्दीली आती है, मिड टर्म इलेक्शन होती है तो फिर इमरान खान का मुतबादिल कौन है सर? इमरान खान का मुतबादिल तो कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले कहा था और अब फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान का मुतबादिल कोई नहीं है और ना ही PTI के अंदर कोई इमरान खान का मुतबादिल है, क्योंकि इमरान खान जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक वाजे और साफ एक ऐसी शख्सियत है जिसका एक विजन है, एक विजनरी लीडर है। तो मैं जहां तक समझता हूं जो अब इमरान खान अपने तौर पे सोच रहे हैं वो यही होंगे कि अगर इलेक्शन कराने पड़े, ठीक है इमरान खान दोबारा आए, एक दफा कौम से आए, कौम को एतमाद मिले और इलेक्शन करवा दे दोबारा असेंबलियां तोड़ के, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इमरान खान इस मरतबा बहुत ज्यादा अक्सरियत से आएगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि असल में प्रॉब्लम इमरान खान देखिए कुछ नहीं कर पा रहा, ज्यादा अक्सरियत नहीं है उसके पास। आप अगर MQM, अगर जैसे आज मैंने कहा कि MQM ने वाजे तौर पर कह दिया
कि उनको छोड़ दिया जाए मियां साहब को, अगर एमक्यूएम कल छोड़ दे और जीडीए छोड़ दे, दो में से कोई भी, या मुस्लिम लीग काफ निकल जाए, तो इमरान खान की हुकूमत तो वैसे ही गिर जाती है। तो बुनियादी तौर पर ना वो कानून साजी कर पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि असेंबली के अंदर जितने लोग बैठे हैं आपको पता है सब कहीं ना कहीं बदउनवानी में। तो अब इमरान खान को इस मरतबा ऐसे इलेक्शन चाहिए जिसमें उनको सादा अक्सरियत हो, सादा अक्सरियत होगी तो आप निजाम बदलने की कानून साजी कर सकेंगे। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान ने कहा था हम तब्दीली लाएंगे, तब्दीली लाने के लिए आपको अक्सरियत चाहिए। और सर आज की जो मुलाकात हुई है आपके मुताबिक वो कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी, जो मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही, कहीं ये जो मिड टर्म इलेक्शन इसलिए तो नहीं करवाए जा रहे कि इमरान खान को दोबारा जो अक्सरियत में दोबारा लाया जाए उनको? नहीं देखिए लाया जाए की बात तो अभी ना ये हम मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लाया जाए वाली बात कहना तो फिर वो बयानिया आ जाएगा मौलाना फजल रहमान का। खुद हो सकता है शायद इमरान खान ये सोच रहे हो, लेकिन अब फौज जो है ना, इस फौज बहरहाल अपने पर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बार बार इनको सेलेक्टेड सेलेक्टेड कहा। हाँ ये अलबत्ता जरूर है कि अब अगर मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें अदलिया की तरफ से आएंगी, बहुत सारे लोग इसमें नाहल हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे लोग नाहल, ये जो बदउनवानी आपके पीटीआई के अंदर भी लोग हैं ऐसे जो नायल हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, पीटीआई के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो, और इसीलिए वो भी मैंने जो आपसे कहा ना कि वो चाहते हैं कि भाई वो इमरान खान नाकाम हो जाए, बुनियादी तौर पर वजह ये है क्योंकि इमरान खान ने एक दफा कह दिया था कि भाई ना मैं बाहर वालों को छोड़ूंगा ना अंदर वालों को छोड़ूंगा, तो उनको उनको पता है कि बाहर वालों के बाद हमारा भी